दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पैंट का बेल्ट कैसे बनता है। कुछ लोगों ने हमें कमेंट किया था कि सर हमको पैंट की बेल्ट की जानकारी चाहिए। वैसे हमने अपने चैनल पे पैंट की सिलाई के बारे में कई वीडियो बनाया हुआ है। पैंट के पॉकेट, क्रॉस पॉकेट और बैक पॉकेट कैसे बनाते हैं, सभी वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम आप जान लेते हैं कि पैंट का बेल्ट कैसे बनता है। तो जैसा कि हमारा एक पैंट है, ये बेल्ट हमने चिपकाया हुआ है। आपको इस तरह के बेल्ट बाज़ार में मिल जाएंगे, रोल इसका मिलता है बेल्ट का, तो आप वहाँ से लेकर खरीद कर बेल्ट पैंट की आसानी से बना सकते हैं। तो हमारा ये जो चौड़ाई इसकी है, 1.5 इंच चौड़ाई बेल्ट की है, तो इसको हम 35 इंची कमर के हिसाब से आपको सिखाएँगे बनाना। इसमें आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसको हमने इसकी कटिंग कितना किया हुआ है, आपको हम दिखा दे रहे हैं। ये लॉन्ग बेल्ट है, इसमें अब आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने 4 इंच पहले एक्स्ट्रा हमने छोड़ दिया, 4 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया, फिर यहाँ से हमने 3 इंच लिया हुआ है। आप देख सकते हैं 3 इंच लिया हुआ है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, कमर का आधा भाग लेना है। जैसा कि हमारा 35 इंची कमर है, तो हमको 17.5 लेना है। अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ 17.5 पर निशान लगा दिया। अब हमने देखो यहाँ थोड़ा हमारा और लगभग 1.5 इंची और बेल्ट हमने बड़ा किया हुआ है, इसलिए कि कमर कभी भी कम ज़्यादा करना होता है पैंट का, अगर बढ़ाना होता है तो यहीं से बढ़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ निशान लगा देते हैं कि ये हमारा जो 3 इंच का जो हमने आपको बताया, 3 इंच ये हमारा लॉन्ग बेल्ट हो जाएगा। इतना इसमें हुक, डबल हुक हुक लगता है, आप देखे होंगे पैंट में। अब यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से हमको इसका कमर का आधा भाग लेना है, यानी 17.5 इंच लेना है। तो हमको यहाँ से 1 इंच 1.75 इंच छोड़ कर फिर एक निशान लगाना है लुक्स के लिए। जो हम लुक्स लगाते हैं पैंट में, बेल्ट पहनते हैं, आप लुक्स देखे होंगे पैंट में लगता है। अब यहाँ हमारा 16 इंच आ रहा है, 16 से हम इसमें 4 भाग करेंगे, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ 4 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर 8 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर 12 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 2 3 4, ये हमारा 4 लुक्स हो गया, क्योंकि 32 के ऊपर अगर कमर जाएगा तो उसमें 4 लुक्स लगते हैं, 4 × 2 = 8 लुक्स लगते हैं पूरे पैंट में, पूरे बेल्ट में। और अगर उससे 30 से कम होता है तो आप इसमें 6 बेल्ट लुक्स लगा सकते हैं। तो अभी हमारा दूसरा भाग हो गया, ये यहाँ हमने निशान लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हमने 1.5 इंच यहाँ निशान लगाया हुआ 1.5 इंच पे, क्योंकि ये चैन वाले भाग में इतना एक्स्ट्रा रहता है, आपने देखा होगा चैन बंद करते हुए एक्स्ट्रा रहता है 1.5 इंची। अब यहाँ से भी हमने, अब यहाँ से नाप लिए गए हम, तो 17.5 इंची हम यहाँ निशान लगाएंगे। अब देख सकते हैं यहाँ भी थोड़ा हमने बड़ा कटिंग किया हुआ 1.5 इंची, क्योंकि ये कमर बढ़ाने के काम में आता है। तो अब यहाँ से हमको 1.75 इंच पर निशान लगा, 1.5 इंच निशान लगाएंगे यहाँ तक, और फिर यहाँ से हम 16 इंची हमारा ये आ रहा है, तो हम 4 चौक 16, 4 इंची में निशान लगाएंगे, फिर 8 इंच में निशान लगाएंगे, और फिर 12 इंच में लगाएंगे। ये हमारा 4 लुक्स का निशान हो गया। तो इसको आप चाहे आप निशान लगा लें, या कैंची से थोड़ा सा इसमें कट मार लें, इस तरह से एक ही बात है, इस तरह से। और हमने सिलाई के लिए आधा आधा इंची कपड़ा दोनों साइड छोड़ा हुआ है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको लुक्स बनाना है, तो लुक्स के लिए हमको 1.5 इंची चौड़ी कपड़े चाहिए। इसको हम आधा इंची फोल्ड कर करके इसमें सिलाई मार देते हैं, आधा इंची सिलाई। इसको लुक्स के लिए हम आधा इंची चौड़ा लुक्स हमारा होना चाहिए। तो इस तरह से आप पहले लुक्स बना लीजिए, हमने फिर सिलाई मार लिया है। दोस्तों इसमें क्या करना है, इसको हमको जो सिलाई है इसको दोनों बाजू फैला करके चीड़ करके इसको नाखून मार लें, या आयरन से आप इसको बैठा लें अच्छी तरह से, क्योंकि ये कपड़े जो चीड़ देंगे तो लुक्स आपका बहुत सही से बन जाएगा। इसके बाद इसको तीली की सहायता से आप इसको पलटी कर लीजिए आप। अब दोस्तों हमने 2 लुक्स बना लिए, अब इसको हम इसमें किनारी सिलाई दोनों साइड से हमको मार देना है, इस तरह से आपका लुक्स बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें दोनों बाजू किनारी सिलाई मारे आप दोनों साइड से। अब हमने लुक्स पर सिलाई मार दिया किनारी से, अब इसको हमको 3.5 इंच की लंबाई के हिसाब से इसको एक एक बेल्ट काट देना है। अब इस तरह से आप इसी साइज से आप 4 लुक्स निकाल लीजिए। अभी हमने 4 लुक्स निकाल लिया है, और 4 हमारा और है, 8 लुक्स हमने बना लिया है। अब इसको हमको क्या करना है, अब इसमें जो हमने निशान लगाया है, लुक्स हमारा उसी साइड लगेगा जो सिलाई में दबता है, उसी साइड में लगेगा इसको। तो इसको हम इस तरह से लगा लेंगे जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया हुआ है, 4 लुक्स इसी तरह हम लगा लेंगे इसमें। अब देखिए हमारा 4 लुक लग गया है। अब इसी तरह हम दूसरे में भी लगा लेंगे,
अब दोस्तों हमने चार चार लुक्स लगा लिया है, अब इसमें हम आपको अस्तर लगाना बताएंगे और वॉच पॉकेट लगाना बताएंगे। तो हम अस्तर इसमें अब जो आपने जो पैंट कटिंग करेंगे तो उसमें जो किनारी भाग निकलता है आप उसी के अस्तर बना सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा इसमें नहीं निकलता है, वैसे निकलता भी है क्योंकि हम पैंट में निकलता है, इसी तरह से हम यहाँ इसको कटिंग कर देंगे। अब इसको हम थोड़ा सा इसको बराबर कर देंगे काट छांट करके, फिर इसी का हम अस्तर लगाएंगे इसमें। अब इसमें हम एक पल्ला ले लेंगे। सबसे पहले हम लॉन्ग बेल्ट जो है जिसमें हुक लगता है, डबल हुक लगता है, वैसी को हम इसमें लगाएंगे। अब सबसे पहले देखिए, ये देखिए जो ये हमारा जो है नीचे वाला भाग है, जो पैंट में सिला जाता है वही भाग है, और ये ऊपर वाला भाग है। क्योंकि थोड़ा सा हमने इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है, क्योंकि ये कमर बढ़ाने के घटाने के लिए काम में आता है। तो सबसे पहले अब ये अस्तर वाला भाग जो है ऊपरी, जिसमें बेल्ट हमारा नीचे वाले साइड में हो गया है और अस्तर हम ऊपर वाली साइड में लगाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम सिलाई, आपका कैनवस पर नहीं होना चाहिए, ये जो पट्टी है इस पर सिलाई नहीं, कपड़े पर सिलाई होना चाहिए, इतना ध्यान रखें आप। इस तरह सिलाई मारे, इसको पूरा मारते चले जाएं आप। अब देखिए अस्तर हमने यहाँ इतना छोड़ दिया है, यहाँ इसलिए छोड़ा हुआ है ताकि ये जो लॉन्ग बेल्ट है हमारा यहाँ से फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ से ये फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ दो हुक लग जाएंगे, तो यहाँ दो हुक लग जाएंगे, यहाँ एक हुक यहाँ लग जाएगा, तो ये अस्तर यहीं तक रहेगा, इसके अंदर ये दब जाएगा। इसलिए आप इतना, क्योंकि ये फोल्ड होगा, इसमें अस्तर लगाने कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए अस्तर आपका यहीं तक रहेगा, तो इसलिए अस्तर यहाँ से ही लगाएं। अब इस पर हम क्या करेंगे, ये किस पर हम किनारी सिलाई मार देंगे, इसको बारीक साइड करके, इसको बारीक साइड कर दिए, इसमें एक किनारी सिलाई मार देंगे हम इस तरह से। अब ये हमारा एक बेल्ट हो गया, तैयार हो गया, एक बेल्ट लॉन्ग बेल्ट तैयार हो गया। इसमें केवल पैंट में अटैच होगा। अब दूसरा हम बेल्ट बताएंगे आपको, इसमें वॉच पॉकेट लगता है जिसे हम चोर पॉकेट भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हमारा एक्स्ट्रा है, और यहाँ से वॉच पॉकेट हम यहाँ से 2 इंच छोड़ करके इसके बाद यहाँ से वॉच पॉकेट लगाएंगे। तो वॉच पॉकेट ऊपरी भाग में लगेगा, क्योंकि ये भाग सिलाई में चले जाएगा या नीचे वाला भाग, और ये इसमें अस्तर लगेगा उसी साइड में हम वॉच पॉकेट लगाएंगे। तो ये हमारा, हमने एक वॉच पॉकेट बनाया हुआ है, ये 5x5.5 का है, आप इतना बड़ा लगाए। वॉच पॉकेट हमेशा कट बेल्ट यानी छोटे वाले बेल्ट में ही लगेगा, जिसमें हुक लगता है उसमें नहीं, जिसमें हाई लगता है उसमें ही वॉच पॉकेट लगाया जाता है, इतना आप ध्यान रखें। अब इसको हम एक, इसमें हमारा थोड़ा सा सिलाई छोड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप इस तरह से। अब इसमें हम एक पल्ला छोड़ करके इसमें इस तरह से सिलाई मार देंगे। तो हमने इसको लगा दिया है, अब हमारा ये एक भाग बच रहा है, तो इसमें हम अस्तर वाला भाग इसमें लगाएंगे। अब ये जो हमारा अस्तर है हम पूरा यहाँ तक लेंगे, यहाँ तक हमारा बराबर है, तो यहाँ से हम इसको एक भाग में इसमें इसको अटैच करेंगे पहले, सबसे पहले, क्योंकि एक पल्ला हमने बेल्ट वाले में ज्वाइन किया है इसका मुँह, और एक पल्ला जो है अस्तर वाले में हमने ज्वाइन किया हुआ इसका। आप देख सकते हैं ये हमारा वॉच पॉकेट, देखिए ये ऐसा हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, इसको पकड़ कर हमको यहाँ से इसको ऐसे इस तरह से पकड़ करके फिर यहाँ से हमको एक सिलाई इसको मार देना है। तो यहाँ से हमको अब यहाँ तक सिलाई मारना है हमको, जहाँ तक हमने वॉच पॉकेट लगाया हुआ है। फिर यहाँ से छोड़ कर हम बाकी स्तर पर इस तरह सिलाई करके, फिर यहाँ से छोड़ करके फिर यहाँ से सिलाई हम मारते चले जाएँगे। दोस्तों हमको इस पर फिर से एक बार इस पर किनारी सिलाई हमको मारना है इस तरह से, इसको मारते हम चले जाएंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं। क्योंकि हमने सिलाई यहाँ से मारते हुए फिर यहाँ से घुमा दिया है इस तरह से, ऐसा आएगा क्योंकि यहाँ सिलाई नहीं आएगी, नहीं तो यह इसका मुंह बंद हो जाएगा। इस तरह से आप वॉच पॉकेट बेल्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप बेल्ट बना सकते हैं। अगर आपको कोई कमेंट है तो हमको ज़रूर बताएँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करें, हम आपको इसकी रिप्लाई जरूर करेंगे, उसको बताएंगे। तो चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार।